को शुरुआत करने से पहले छोटी सी शायरी हो जाए हमारे फ्री फायर इंडिया के लिए। तो अर्ज किया है, मेरे दिल का खो गया है ताला। फिर से सुनिए, मेरे दिल का खो गया है ताला, फ्री फायर आप हो उस ताले की चाबी, बन जाओ ना मेरे दोस्तों की भाभी। तो कैसे हैं आप लोग, तो कैसे मैं आपका प्यारा दुलारा जी डब्ल्यू मनीष वापस आ चुका हूँ एक और फेस कैम वीडियो के साथ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। फ्री फायर इंडिया को लेकर काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि फ्री फायर मैक्स और नॉर्मल फ्री फायर का क्या होने वाला आने वाले टाइम में, क्या वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे हमारे इंडिया से, और क्या फ्री फायर इंडिया में नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के कंपैरिजन में अलग इवेंट्स आने वाले हैं, या फिर फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया में सब में एक ही इवेंट आएंगे जैसे कि हर बार आता है। सबसे ज्यादा मेन विषय, क्या इंडियन सर्वर के साथ फिर से नेपाल सर्वर ज्वाइन होने वाला है। यार लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप लोगों देने हैं, क्या आप सभी लोगों ने मिलके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। तो आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जी डब्ल्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अभी के टाइम पे आप फ्री फायर को लेकर फ्री फायर मैक्स, अभी के टाइम पे हमारे गेम में आप लोगों को एज वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन देखने मिल गया होगा, आप 18 के नीचे हो या फिर 18 के ऊपर। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें एज वेरीफाई कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर यहाँ पे आप अपनी गलत एज बताते हो और गरीना कंपनी ने आपको पकड़ लिया कि आपने गलत एज बताया है, तो यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट रिमूव भी हो सकता है। रिमूव इन द सेंस बैन हो सकता है या फिर टोटली फ्री फायर से पूरा आपका अकाउंट ही रिमूव हो जाएगा, आप उसे कभी लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। तो देखो यार वो पहले वाला फ्री फायर नहीं रहा, अब ये फ्री फायर इंडिया बन चुका है। तो अब यार इससे पंगा लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग गलत एज डालने का सोच रहे थे तो गलत एज मत डालना दोस्तों, फालतू आपका अकाउंट रिमूव हो गया। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज सुबह सुबह हमारे गेम में एक 17 MB का अपडेट आया था, और उस अपडेट की वजह से हम गेम शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, और कोई भी अगर हम मोड शुरू करते हैं फिर भी ऐसा ही लिखा आता है। तो एक्चुअली ये लिखा गया है, चलो मैं आपको बताता हूँ। फ्री फायर इंडिया इज सेट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड नॉट बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड, डोंट वरी इफ यू आर एलिमिनेटेड, रिस्पॉन अवेट्स, गुड लक एंड हैव फन। अब ये सब चीजों का मतलब क्या है पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गेम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और गेम हारने के बाद बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन फील करते हैं, या फिर झगड़ा वगड़ा शुरू करना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे गरीना कंपनी सिंपली फ्री फायर इंडिया के द्वारा ये बताना चाह रही है कि देखो भाई फ्री फायर एक वर्चुअल वर्ल्ड है, मतलब एक इंटरनेट की दुनिया है, वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है और रियल लाइफ में से कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये गेम है, गेम की तरह खेलो, आप लोगों को सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मर जाते हो तो आप लोगों को नेक्स्ट गेम में एक और चांस मिलेगा। और ऐसी चीजों को फ्री फायर में ऐड करना क्यों पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है तो ये चीजें करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्री फायर इंडिया में क्या अलग इवेंट्स आने वाले हैं फ्री फायर मैक्स कंपैरिजन में। एग्जांपल अभी के टाइम पे दिवाली का इवेंट चल रहा है हमारे फ्री फायर इंडिया में, तो क्या फ्री फायर प्लस फ्री फायर मैक्स में भी चलेगा वही सेम इवेंट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन ने मेरे दिमाग को हिला के रख दिया। अब देखो यार मैटर करते हैं कि फ्री फायर इंडिया आने के बाद गरीना कंपनी नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स को क्या इंडिया से डिसकंटिन्यू करने वाली है। अगर वो कर देते हैं तो भाई फिर सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर इंडिया में ही आएगा, और कोई दूसरा गेम बचेगा ही नहीं ना। बट अगर आप मुझसे ऐसा पूछ रहे हो कि फ्री फायर भी हमारे इंडियन सर्वर में चल रहा है, फ्री फायर मैक्स भी चल रहा है, फ्री फायर इंडिया भी चल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर फ्री फायर इंडिया में सेम डायमंड रॉयल आया है या फिर जो भी रॉयल आया है डायमंड वाला, तो फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर में भी सेम वही इवेंट आएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान सर्वर में एक साल पहले पाकिस्तानी क्रिएटर्स का कोलैब हुआ था, उनमें कुछ कैरेक्टर्स बंडल्स वगैरह आए थे, तो वो पाकिस्तान सर्वर में था क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। हमारे इंडियन सर्वर में कुछ हुआ या दूसरे सर्वर में ऐसा कुछ इवेंट आया था पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेकर? नहीं ना। अगर इंडिया के लिए स्पेशली है वो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सर्वर में ही रहेगा, नेपाल वगैरह में नहीं जाएगा। तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 4, क्या पीसी प्लेयर्स अनबैन होने वाले? अब मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि भाई अब डायरेक्टली नया एप्लीकेशन आ गया फ्री फायर इंडिया नाम से, तो इसमें पीसी प्लेयर अनबैन रहेंगे क्योंकि एक नया गेम आया है ना। बट आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि भाई पीसी प्लेयर्स अनबैन नहीं रहेंगे, पीसी प्लेयर जैसे अभी बैन है वैसे ही बैन रहेंगे। अब आप लोग बोल रहे भाई तू ये सब बातें को बोल कैसे रहा है, तेरे पास प्रूफ क्या है, फिर सोर्स क्या है? तो देखो यार, भले ही गरीना ने एक नया गेम बनाया है इंडिया वालों के लिए, फ्री फायर का इंडियन वर्जन आ चुका है, लेकिन सर्वर तो सेम ही है ना। अब आप लोग बोल रहे हो भाई सर्वर सेम है, तुझे कैसे पता चला? यहाँ पे मैं फ्री फायर मैक्स खेल रहा हूँ यार आज के टाइम पे, और यहाँ फिर भी फ्री फायर इंडिया का एक अलग से हेडलाइन लिखा आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि फ्री फायर मैक्स और नॉर्मल फ्री फायर इंडिया, इन सब का सर्वर एक ही होने वाला है। यार साला मुझे लगा था कि भाई पीसी प्लेयर्स अनबैन हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 3, क्या नेपाल सर्वर इंडियन सर्वर के साथ मर्ज होने वाला है? अब देखो हाँ, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ऐसा हो सकता है वापस,
बट आज के टाइम पे, मतलब इस डेट की बात करूं जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, उस टाइम पे गरीना का कोई भी प्लान नहीं है इंडियन सर्वर के साथ नेपाल सर्वर को फिर से ज्वाइन करने का। Oh shit, no, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। क्योंकि देखो, अगर ऐसा कुछ प्लान होता उनके माइंड में तो नेपाल सर्वर वालों को आज के में प्ले स्टोर में प्री रजिस्ट्रेशन देखने मिल जाता फ्री फायर इंडिया का। और आप खुद सोचो ना यार, वो नेपाल में खेलने वाले अगर वो ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें लिटरली कंट्री का नाम लिखा है, मतलब फ्री फायर इंडिया, तो कहीं ना कहीं उनको बुरा नहीं लगेगा इस बारे में। तो आज के टाइम पे इंडिया और नेपाल का जुड़ना नियरली इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट लेट्स होप फॉर द गुड। आने वाले टाइम में अगर नेपाली भाई हमारे साथ फिर से इंडियन सर्वर में जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और जो भी मेरे नेपाली भाई लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग प्ले स्टोर में फ्री फायर इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन आ चुका है, इसका मतलब चांसेस है कि आप लोग फिर से ज्वाइन हो सकते हो इंडियन सर्वर में। बट अगर नहीं आ रहा है तो फिर भूल जाओ। अब बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या फ्री फायर मैक्स कंटिन्यू होने वाला है इंडिया में, या फिर जैसे फ्री फायर को रिमूव कर दिया प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, वैसे ही अब प्ले स्टोर से भी फ्री फायर मैक्स रिमूव हो जाएगा? तो देखो, इसके बारे में मेरे पास कोई भी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है कि फ्री फायर मैक्स का आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या फ्री फायर मैक्स को गरीना वाले खुद प्ले स्टोर से रिमूव कर देंगे या कुछ और, इसके बारे में मेरे को नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर प्ले स्टोर पर रहने वाला है फ्री फायर मैक्स और सर्वर भी एक ही होने वाला है, तो शायद फ्री फायर मैक्स का जो साइज है उसको पहले की तरह बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे जो ग्राफिक्स है उनको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब फ्री फायर हमारे इंडिया से रिमूव हो गया था तो उस टाइम फ्री फायर मैक्स का साइज को कम किया था, ग्राफिक्स वगैरह कम कर दिए गए थे ताकि वो लो एंड डिवाइस में सपोर्ट करे। इसीलिए आज के टाइम पे लो एंड डिवाइस में फ्री फायर में खासा चल जाता है। तो शायद पहले जिस तरीके से उसका ग्राफिक्स था, हाई लेवल का ग्राफिक और बहुत बड़ा गेम था वो, तो शायद उसको फिर से ऐसा किया जाता है। लेकिन अभी उसको टाइम है, अभी तो यही नहीं कंफर्म है कि फ्री फायर मैक्स का इंडियन सर्वर में होने क्या वाला है, तो बस हम सोच सकते हैं और कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है हमारे पास इसका। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिया, पूरा मत भूलिया लाइक करे यार। तो भाई लाइक कर दीजिएगा, ये कौन सी भाषा है आई डोंट नो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जीडब्ल्यू मनीष चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी फ्री फायर के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए। अब बढ़ते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारी आईडी बैन हो गई थी, क्या वो फिर से अनबैन होने वाली फ्री फायर इंडिया में? काफी सारे लोगों का कहना यह है, पर्सनली मैंने भी एक वीडियो में कहा था कि देखो फ्री फायर को एक चांस मिला है अनबैन होने का तो हमारे आईडीज को भी होना चाहिए। लेकिन फ्री फायर अनबैन नहीं हुआ है, फ्री फायर इंडिया का नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गरीना वालों ने। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या हमारी आईडीज अनसस्पेंड होने वाली है 5 सितंबर के बाद जो नया फ्री फायर आने वाला है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सॉरी मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका आईडी अगर सस्पेंड रहा, सस्पेंड ही रहेगा, अनसस्पेंड नहीं होने वाला है। जितने वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो सब फेक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया होगा लास्ट वाले क्वेश्चन को लेके। बट देखो यार, मैं आपको झूठी होप देना नहीं चाहता। मुझे पता है आप लोगों ने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देख रखी होगी आईडी अनबैन से रिलेटेड, कि भाई अभी हमारा आईडी अनबैन हो जाएगा, 5 सितंबर को आईडी अनबैन हो जाएगा, नया फ्री फायर आईडी अनबैन कर दे। तो कुछ भी नहीं है यार ऐसा, भूल जाओ। आज के टाइम में फ्री फायर का कोई भी प्लान नहीं है किसी की आईडी को अनबैन करने का। वेल, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे बकलोली करने के लिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे भाई रील ऐसे अपलोड करता हूँ कि लोग हंस के पागल हो जाते हैं। तो आ जाना GW_Manish इंस्टाग्राम मेरी आईडी है। तो मिलना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।